हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ अ ऑर्गन ऑफ एब्डोमेन कैविटी और GIT. ओके, ये एक ट्यूबलाइक ऑर्गन होता है और एक कॉइल्ड फॉर्म में भी प्रजेंट होता है. जैसे डायग्राम के अंदर ज़्यादा अगर शो करें, डायग्राम यहाँ पे शो हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो ग्रीन कलर और लाइट ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है. एक कॉइल फॉर्म के अंदर प्रजेंट है और स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है. जो अपन फूड इंटेक करते हैं, जो न्यूट्रिएंट इंटेक करते हैं अपन, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अपने फूड को एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट अपन देखते हैं अपन स्मॉल इंटेस्टाइन की जनरल एनाटॉमी के बारे में. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसकी लेंथ लगभग 6 मीटर या फिर 20 फीट तक हो सकती है. काफ़ी लेंथ होती है इसकी, 6 मीटर तक या फिर इसकी 20 फीट जितनी लंबी होती है ये. और इसके अंदर एक सरफेस एरिया जो इसकी लेंथ होती है, ये एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को. जितनी ज़्यादा जितनी अच्छी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये अपनी इसको एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है, जिसकी इस सरफेस एरिया की वजह से जो अपन फूड इंटेक करते हैं उसका एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन होता है. जो इसकी लेंथ होती है मेल के अंदर ज़्यादा होती है और फीमेल के अंदर इसकी लेंथ कम होती है. इसके अगर डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर तक. और इसकी अगर लोकेशन देखें, एनाटॉमिकली अगर लोकेशन देखें ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो एब्डोमेन कैविटी के अंदर सिचुएटेड होती है. ओके, और यहाँ पे आप थोड़ा सा जूम करके बता दूँ, साथ में ये पाइलोरिक स्फिंक्टर से लेके और लार्ज इंटेस्टाइन तक ये प्रेजेंट होती है. जैसे पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, स्टोमक का लास्ट पार्ट होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये वाला पोर्शन यहाँ पे देखना, इस जगह प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर. और यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन ये प्रेजेंट. ओके, ये लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम होता है, ये यहाँ पे सिचुएटेड होता है. ओके, तो यहाँ पे इसकी लोकेशन होती है यहाँ से लेके ये अपना लार्ज इंटेस्टाइन, ये यहाँ तक. ये लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम होता है उस जगह पे, ये सीकम है इस जगह पे, ये यहाँ पे आगे इसका एंड होता है सीकम पोर्शन पे, इलियोसिकल वाल पे यहाँ पे इसका एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का. ओके, तो वापस से बता दूँ, इसकी जो लोकेशन होती है एब्डोमेन कैविटी में सिचुएटेड होती है, और ये पूरी पूरा पोर्शन ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है इस तरह से. ये कंप्लीट एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का है. इसके अंदर ये यहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ड्यूडेनम, जो कि स्टोमक का जो लास्ट पार्ट होता है वहाँ से ये स्टार्ट होती है पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ से लेके, और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम यहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है इस जगह पे. ओके, तो ये हो गई इसकी लोकेशन. नेक्स्ट अगर इसके एनाटॉमिकल पार्ट्स की बात करें, एनाटॉमिकली पार्ट्स की बात करें, तो उसके पहले एक बार इसकी कुछ स्लाइड्स अगर नोट्स के रूप में अगर आप इसे देखना चाहो, अगर नोट्स लिखना चाहो, नोट्स बनाना चाहो स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो उसके लिए जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में मैंने बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और मोर डाइजेस्टिव एब्जॉर्बेबल पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, और इसकी जो लेंथ होती है 6 मीटर तक होती है. अगर इसकी जो लेंथ होती है मेल की ना ज़्यादा होती है फीमेल की कंपेयर में, और डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर तक होता है. इसकी जो लेंथ होती है, ये सरफेस जो सरफेस एरिया होता है इसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. लोकेशन अब बताई दी, एब्डोमिन कैविटी के अंदर सिचुएटेड होती है, इट्स बीइंग एट पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर से ये स्टार्ट होती है ऑफ स्टोमक एंड ओपन टू द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम पार्ट होता है उसमें जाके ये ओपन होती है. ओके,
नेक्स्ट अगर इसके पार्ट्स की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स या फिर एनाटॉमिकली इसके जो रीजन्स की बात करें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम और एलियम के अंदर। फर्स्ट जो रीजन इसका वो है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की बात करें तो ड्यूडेनम जो होता है इसका फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि स्टोमक के जो लास्ट पार्ट पाइलोरिक जो होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पे सिचुएटेड होता है वहाँ से लेके। और इसके सेकंड पार्ट जेजुनम तक ही सिचुएटेड होता है। ये वाला जो पोर्शन है ये है ड्यूडेनम। ओके, यहाँ पे शो हुआ है ड्यूडेनम। ओके, इसका जो सेकंड पार्ट है जेजुनम, ये मिडिल पोर्शन होता है। जो ये वाला पोर्शन है ये है जेजुनम, एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट बात करें तो लास्ट पार्ट इलियम, जो ये वाला पोर्शन है इसका एंड पोर्शन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पोर्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट से डिवाइड किया गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब पहले बात करते हैं अपन ड्यूडेनम के बारे में। जो ड्यूडेनम होता है इसका फर्स्ट पार्ट होता है जो स्टोमक के एंड पार्ट पाइलोरिक स्पिंक्टर से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन के मिडिल पार्ट जेजुनम तक प्रजेंट होता है, और इसकी लेंथ अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर तक होती है। और ये भी कह सकते हैं अपन कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जेजुनम पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट होता है। ओके, और इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो जेजुनम होता है सॉरी ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम के अंदर पेनक्रियाज, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एब्डोमेन कैविटी के अंदर पेनक्रियाज और जो गॉल ब्लैडर होते हैं, इसके कुछ सिक्रेशंस आके इसके अंदर ओपन होते हैं। ठीक है, सिक्रेशन इसके अंदर आके कुछ सीक्रेट होते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर से बाइल सीक्रेट होता है और पेनक्रियाज से डाइजेस्टिव एंजाइम और बाइकार्बोनेट। डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे प्रोटीएज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, इस तरीके से कुछ एंजाइम्स इसमें सीक्रेट होते हैं। ठीक है, सॉरी इनसे सीक्रेट होके इसके अंदर सीक्रेट होते हैं ड्यूडेनम के अंदर। और जो इसकी लोकेशन होती है जहाँ पे ये एंटर होते हैं उस लोकेशन को बोलते हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, सॉरी इस डायग्राम में नहीं है, यहाँ पे बात करें ये ड्यूडेनम है। ओके, ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा ड्यूडेनम पोर्शन। ओके, ये है ड्यूडेनम। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट अगर अपन देखें तो मैं कलर चेंज कर लूं, थोड़ा सा छूट। ये वाला पोर्शन ड्यूडेनम ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, और फिर ये पेनक्रियाज। ओके, और जो ये ओपनिंग दिख रही है इस जगह आपको, ये वाली ओपनिंग। ओके, इस ओपनिंग के अंदर पेनक्रियाज, जो कि पेनक्रियाज ये प्रजेंट होता है, जो पेनक्रियाज होता है लीव इसके इस स्टोमक के ऊपर की तरफ प्रजेंट होता है। ओके, और लीवर के पोस्टर साइड में एक स्ट्रक्चर प्रजेंट होती है गॉल ब्लैडर, जो कि यहाँ आके ओपन होता है ड्यूडेनम के इस वाले पोर्शन के अंदर, जिसे बोलते हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। हिपेटो पेनक्रियाटिक का मतलब हिपेटिक यानी लीवर, और पेनक्रियाटिक का मतलब पेनक्रियाज। इन दोनों की ओपनिंग सॉरी ये दोनों आके ड्यूडेनम के इस पोर्शन पे आके ओपन होते हैं, यहाँ पे ओपनिंग को बोलते हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। ओके, इस ओपनिंग की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर या फिर ड्यूडेनम के अंदर पेनक्रियाज से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम और गॉल ब्लेडर से बाइल इसके अंदर आके सीक्रेट होते हैं। और इनका जैसे जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इनका जो फंक्शन होता है, जो आप जो फूड इंटेक करते हो, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं।
इसके अलावा जो बाइल है ये फेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके नेक्स्ट बात करें इसके जो सेकंड पार्ट जेजुनम है, जेजुनम के अगर बारे में अगर अपन बात करें तो ये वाला पोर्शन जो है जेजुनम, ओके जेजुनम एक कोइल लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि कोइल का मतलब होता है एकदम घुमावदार स्ट्रक्चर होती है। जैसे मैं यहाँ पे बना के बताऊँ, ये पूरी इस तरीके से घूमी हुई स्ट्रक्चर होती है, यूं यूं इस तरीके से बनी हुई होती है पूरी ये, तो जेजुनम जो होता है एकदम कोइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम मिडिल पोर्शन होता है या फिर मिडिल सेक्शन होता है, और ये ड्यूडेनम से लेके इलियम के बीच में प्रेजेंट होता है। इसकी लेंथ अप्रोक्स 2 मीटर तक होती है और जिसका डायमीटर होता है लगभग 4 सेंटीमीटर तक होता है। और इसके अलावा जो जेजुनम है इसकी जो सबसे खासियत है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है, इसके अंदर विलाई प्रेजेंट होती है। विलाई यानी एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर जेजुनम के सरफेस एरिया को बढ़ाने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन काफ़ी इजीली हो पाता है। ओके जेजुनम कंप्लीट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलियम के बारे में। तो ये इलियम जो लास्ट पार्ट है इसका, इलियम ये वाला पोर्शन इलियम है, ठीक है इलियम। तो जो इलियम होता है एक लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और लार्जेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्जेस्ट पार्ट होता है जो इसकी साइज होती है 3 मीटर तक होती है, ठीक है, और सबसे बड़ा पार्ट है। और लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जो सीकम होता है, आप यहाँ पर देखना थोड़ा सा, जो लार्ज इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट पार्ट, ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाला, एक मिनट, ये व्हाट्स गोइंग ऑन, ये वाला पार्ट जो है ये है लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन। ओके यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन। और जिसका फर्स्ट पार्ट होता है, जिसका फर्स्ट पार्ट है ये वाला, यहाँ पे ही सिकम प्रेजेंट होता है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन और इलियम के बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, इसे बोलते हैं इलियोसिकल वॉल, यहाँ पे आके इसका एंड होता है, या फिर ये कह सकते हैं यहाँ पे आके ये ओपन होता है इलियम, ठीक है। और इलियम जो इलियोसिकल वाल्व होता है ये फूड मटेरियल के फ्लो को कंट्रोल करता है, और साथ ही फूड मटेरियल को कंट्रोल करने के साथ साथ रिगर्जिटेशन से भी बचाता है, या फिर रिगर्जिटेशन में हेल्प करता है। रिगर्जिटेशन का मतलब होता है जो अपन फूड इंटेक करते हैं उसका बैक फ्लो ना हो। जैसे अपने फूड माउथ से इंटेक किया तो अपने स्टोमक के अंदर गया, स्टोमक से अपने इंटेस्टाइन के अंदर गया, तो यहाँ से ही वापस से अपने माउथ के अंदर ना आए, ठीक है, इसका बैक फ्लो ना हो, इसे बोलते हैं अपन रिगर्जिटेशन ऑफ फूड। ये इसी के साथ इलियम कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी स्ट्रक्चर की, ड्यूडेनम ओके सॉरी स्ट्रक्चर से पहले अपन अगर इसकी थ्योरेटिकली देखें, या फिर इसके अगर नोट्स अगर आप बनाना चाहो तो उससे, अगर जैसे ड्यूडेनम को मैं रिपीट कर देता हूँ, इट स्टार्टेड पाइलो के स्पिंक्टर ऑफ स्टोमक, ये पाइलो की स्पिंक्टर से स्टार्ट होता है। इसकी जो लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर तक होती है। सिक्रेशन फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज मर्ज इन द कॉमन स्ट्रक्चर हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला एंड एंटर इन टू द ड्यूडेनम एट द ड्यूडेनल पेपिलाई। जो गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज से जो सिक्रेशन सीक्रेट होते हैं वो हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला के अंदर आके ओपन होते हैं, ड्यूडेनम के अंदर ओपन होते हैं, उस लोकेशन को बोलते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। ओके और साथ ही में ड्यूडेनम के अंदर उस जगह पे जो ओपनिंग होती है ड्यूडेनल के, उस पोर्शन को बोलते हैं ड्यूडेनल पेपिला। यहाँ पे इसका पूरा डायग्राम है, ठीक है, हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला का, ड्यूडेनम का, ड्यूडेनम पेपिलाई, बाइल डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट, ये सब इसमें बनी हुई है। ओके नेक्स्ट जेजुनम की बात करें, सेकंड जो पार्ट होता है इसका जेजुनम जो होता है मिडिल सेक्शन होता है, और 2 मीटर इसकी लेंथ होती है, डायमीटर 4 सेंटीमीटर तक होता है, और इलियम तक ये एक्सटेंड होता है। ओके इसके अंदर विलाई प्रेजेंट होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप इसे नोट कर सकते हो अलग से, मैंने इसको टाइप नहीं किया है यहाँ पे। इसके अंदर विलाई प्रेजेंट होती है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाने में हेल्प करती है, या आप अलग से नोट कर सकते हो।
नेक्स्ट अपन बात करें एलियम के बारे में, जो एलियम है ठीक है ये लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसकी जो लेंथ होती है 3 मीटर तक होती है और ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इट जॉइन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इस लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है जो सिकम होता है उसे जॉइन करता है और वहाँ पर एक वाल बनाता है इलियोसिकल वाल ठीक है। और ये फूड मटेरियल के बैक फ्लो को कंट्रोल करता है, सॉरी फूड फूड मटेरियल को के फ्लो को कंट्रोल करता है और साथ ही में रिगर्जिटेशन से बचाता है, रिगर्जिटेशन यानी बैक फ्लो ऑफ द फूड कंटेंट। ओके नेक्स्ट अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी स्ट्रक्चर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये इसके अंदर 4 लेयर प्रेजेंट होती है, या फिर ये कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन 4 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। फर्स्ट पेरिटोनियम लेयर, सेकेंड मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसल लेयर और म्यूकोसल लेयर। वैसे तो अगर इसकी लेयर्स की अगर अपन बात करें तो मोस्टली जो GIT के अंदर कंप्लीट जो चारों लेयर है इसकी ये पूरी पूरी उसी तरीके से सेम होती है जो GIT स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था उसकी तरह ही होती है पूरी पूरी लेयर। पेरिटोनियम भी वैसी होती है, मस्कुलर लेयर भी वैसी होती है, सब म्यूकोसल लेयर भी वैसी होती है और म्यूकोसल लेयर भी होती वैसी होती है, बट पेरिटोनियम और म्यूकोसा जो लेयर होती है ठीक है, जैसे ये पेरिटोनियम और जो म्यूकोसल लेयर है इन दोनों लेयर्स के अंदर कुछ चेंजेज होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं एनाटॉमिकली, या फिर ये कह सकते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फंक्शन के बेसिस के ऊपर पेरिटोनियम और म्यूकोसा जो लेयर होती है दोनों के अंदर कुछ चेंजेज होते हैं। जो जैसे कि पेरिटोनियम की अगर अपन बात करें, सबसे पहले अगर पेरिटोनियम की बात करें तो पेरिटोनियम के अंदर जो पेरिटोनियम जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 2 डबल फोल्ड के अंदर प्रेजेंट होती है ठीक है। जो पेरिटोनियम होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 डबल फोल्ड्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो जिसे अपन बोलते हैं इस 2 डबल फोल्ड्स को अपन बोलते हैं मेसेंट्री। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम्स के अंदर देख पा रहे हो आप, ये डायग्राम बना हुआ है पूरा का पूरा, ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का है और ये वाला जो आपको ये ग्रीन कलर के जो फोर्थ से दिख रहे हैं ये है पेरिटोनियम लेयर ठीक है। क्या है ये पेरिटोनियम लेयर, पेरिटोनियम लेयर के फोल्ड है जिन्हें अपन क्या बोलते हैं मेसेंट्री, ये कहलाती है मेसेंट्री जो कि एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इजीली, और इन फोल्ड्स की वजह से जो आप फूड इंटेक करते हो इन फोल्ड्स का जो फूड इंटेक करते हो इसका इजीली एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हो पाता है, अच्छे से इसको सरफेस एरिया प्रोवाइड हो पाता है ओके। और जो पेरिटोनियम होती है ये इलियम और जेजुनम जो एरिया होता है उस जगह पर प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल से ये जुड़ी हुई होती है। जैसे कि अपन ने अभी पहले पढ़ा जो जेजुनम और इलियम के बारे में ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड और थर्ड पार्ट होते हैं ये वहाँ से जुड़े हुए रहती है जो पेरिटोनियम के जो डबल फोल्ड लेयर है, या फिर जिसे अपन बोलते हैं मेसेंट्री जिसे अपन बोल रहे हैं, या फिर ये यहाँ पे देखो जो डबल फोल्ड लेयर है ये वाले, ये सब यहाँ पे देखो आपको डबल फोल्ड दिख रहे हैं ये वाले, ये यहाँ पे इस तरीके से ये डबल फोल्ड लेयर है ठीक है। ये जेजुनम और एलियम की जगह पर ये प्रेजेंट होती है पूरी तरीके से, और यहाँ पे जो एब्डोमिनल कैविटी की जो पोस्टीरियर सरफेस होती है इस जगह से ये जुड़ी हुई होती है, और इसलिए इस मेसेंट्री के अंदर या फिर ये कह सकते हैं जो पेरिटोनियम में जो डबल फोल्ड्स लेयर है इसके अंदर ब्लड वेजल्स और नर्व्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड होती है, नर्व सेंसेशन मिलते रहते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन म्यूकोसा की, यहाँ पे अपनी पेरिटोनियम के जो स्पेशली जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थिंकिंग थी जो बातें थी पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं म्यूकोसा की, जो म्यूकोसा होता है वैसे तो म्यूकोसा सेम वैसा ही होता है जैसा जो अपने GIT के जो कंप्लीट ऑर्गन्स के अंदर या फिर कंप्लीट जो GIT की लेयर है उसके अंदर जिस तरीके से म्यूकोसा प्रेजेंट होता है तो उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन के बेसिस पे देखें तो इसके अंदर कुछ विलाई प्रेजेंट होती है ठीक है। विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जैसे
कुछ यूं तरीके इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होती है। इनकी जो साइज़ होती है 0.5 से लेके 1 मीटर तक होती है, ठीक है। ये एक फिंगर लाइक विलाई होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे अपन विलाई बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को। और ये सरफेस एरिया को बढ़ाने में हेल्प करती है, ओके, सरफेस एरिया को बढ़ाने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन बहुत ईजिली हो पाता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, ओके। और इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, या फिर जो म्यूकोसा की अगर हम बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, गॉबलेट सेल्स, तीन तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट गॉबलेट सेल्स, एब्जॉर्प्शन सेल और पिनेट सेल। पहले बात करें एब्जॉर्प्शन सेल के बारे में, जो कि न्यूट्रिएंट और स्मॉल इंटेस्टाइन को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ओके। नेक्स्ट बात करें गॉबलेट सेल की, जो कि म्यूकस सीक्रेट करता है म्यूकोसा लेयर के अंदर, उसकी वजह से जो आप फूड इंटेक करते हो वो उसके अंदर लुब्रिकेशन बना हुआ रहता है, या फिर ये कह सकते हैं जो लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो लेयर है इसके अंदर वो लुब्रिकेंट बनी हुई रहती है। पिनेट सेल की बात करें, इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पिनेट सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है, इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जो लाइसोजाइम एंजाइम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये जो लाइसोजाइम जो एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइसोजाइम एंजाइम, ये लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। जो लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं ये फेगोसाइटोसिस करने में हेल्प करते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब, अगर कोई बैक्टीरिया वायरस बाहर से कोई अपनी बॉडी में अटैक कर रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पिनेट सेल बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है, और कंपटीशंस के अंदर इसके बारे में काफ़ी बार पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, थोड़ा सा इसे माइंड करके रखना या फिर इसे अलग से नोट करके रखना पिनेट सेल को। नेक्स्ट अगर अपन स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्लड सप्लाई की बात करें, तो अगर इसकी जो आर्टेरियल सप्लाई है वो होती है सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी, जैसे जो सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी, जो मेजेंटिक वर्ड आया है, जो अपन ने अभी पेरिटोनियम जो लेयर पड़ी थी, ठीक है, पेरिटोनियम के अंदर जो डबल फोल्ड्स होते हैं वहाँ से, उसे अपन बोलते हैं मेजेंट्री, वहीं पे ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, वहाँ पे ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती है। उस मेजेंट्री वर्ड से यहाँ पे जो मेजेंट्री इस एरिया में जो आर्टरीज प्रेजेंट होती है, उस आर्टरी को अपन बोलते हैं मेजेंट्री आर्टरी, सुपीरियर मेजेंट्री आर्टरी, ठीक है। ये आर्टरी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। इन्फीरियर मेजेंट्री आर्टरी, ये मेजेंट्री आर्टरी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है लार्ज इंटेस्टाइन को, ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें वेनस ड्रेनेज की, तो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, जो कि पोर्टल वेन से आगे जाके कनेक्टेड होती है, ठीक है। सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन पोर्टल वेन से आगे जाके कनेक्ट होती है। पोर्टल वेन के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, और इसके बारे में थोड़ा बहुत आगे जब लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेंगे पोर्टल वेन के बारे में, ठीक है। पोर्टल वेन के बारे में और थोड़ा जनरली बता दूँ, तो जो पोर्टल वेन होती है इसके अंदर पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन, या इनकी जितनी भी जो ब्लड वेजल्स होती है, ये अपना ब्लड लेके एक कॉमन ब्लड वेजल के सॉरी कॉमन वेन एक वेन के अंदर लाके ड्रेन करती है, जिसे अपन बोलते हैं पोर्टल वेन, ओके। नेक्स्ट नर्व सप्लाई की बात करें, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसको जो वेगस नर्व होती है, 10th क्रेनियल नर्व होती है, वो ब्लड नर्व सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट इंटेस्टाइन जूस, जो इंटेस्टाइन होती है, जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर कुछ ये जूस प्रेजेंट होता है, जो कि इंटेस्टाइन में जो जूस प्रेजेंट होता है, जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है फूड को, इसका जो अमाउंट होता है अप्रोक्स 1500 ml तक होता है, ओके। और जो इंटेस्टाइन में जो जूस होता है, ये ब्रूनर ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और जो कि ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट होती है ग्लैंड्स, एक स्पेसिफिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है ड्यूडेनम के अंदर, यहाँ पे ब्रूनर ग्लैंड, ओके। इस ग्लैंड की वजह से इंटेस्टाइन जूस सीक्रेट होता है, जो कि ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट होती है। एक स्पेसिफिक तरीके की ग्लैंड है, काफ़ी थिनी ग्लैंड होती है, और ये इंटेस्टाइन जूस सीक्रेट करती है,
और इंटेस्टाइन जो जूस की जो पीएच होती है ये अप्रोक्स 7.8 to 8.0 तक होती है, यानी कि ये कह सकते हैं जो इसकी जो पीएच होती है इंटेस्टाइन जूस की जो पीएच होती है वो थोड़ी सी एसिडिक होती है। ये एसिडिक इसलिए होती है क्योंकि जो स्टमक होता है इसके अंदर HCl प्रजेंट होता है जो इसे थोड़ा सा, और साथ ही में इसी एसिडिक की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर केमिकल डाइजेशन हो पाता है, ठीक है, जो कि जो फूड का केमिकल डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और जो इंटेस्टाइन जूस के जो कंपोनेंट है इसके जो तीन तीन कंपोनेंट प्रजेंट होते हैं, फर्स्ट वाटर, सेकेंड म्यूकस और नेक्स्ट मिनरल साल्ट। सबसे ज़्यादा वाटर प्रजेंट होता है 99% पार्ट कवर करके रखता है, 1% के अंदर म्यूकस और मिनरल साल्ट प्रजेंट होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन में, फूड के एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन के बारे में, अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं होते होंगे। जैसे अगर फिर भी अपन जनरली देखें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन जूस का जो सिक्रेशन करने में हेल्प करती है जो अभी अपन ने देखा, और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। साथ ही में दो तरीके के हॉर्मोन्स स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन। दो तरीके के हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं जो कि ड्यूडेनम से सीक्रेट होते हैं, ठीक है। ये दोनों हॉर्मोन्स जो अपन फूड इंटेक करते हैं उसके केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही में इसके अंदर ये प्रोटेक्शन करती है अपने माइक्रोब से, जैसे अपन ने अभी देखा जो म्यूकस जो लेयर थी उसके अंदर पिनेट सेल होती है, पिनेट सेल का काम होता है, पिनेट सेल के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम प्रजेंट थे जो कि क्या करते हैं फेगोसाइटोसिस करने में हेल्प करते हैं, उसी की वजह से ये एक इन्फेक्शन से अपन को बचाने में हेल्प करती है। एनर्जी केमिकल डाइजेशन करती है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का। अगर अब कंटिन्यू पर आगे देखें केमिकल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर केमिकल डाइजेशन कैसे होता है, तो केमिकल डाइजेशन जैसे अपन ने फूड इंटेक किया यानी कि उसका जो चाइम होता है, यानी कि अपन ने फूड इंटेक किया जब वो चाइम बन जाता है और अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये पहुँचता है तब पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस की वजह से और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ये केमिकल डाइजेशन में ब्रेक डाउन हो जाता है। और मोस्टली जो केमिकल डाइजेशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट टूटता है, मोनोसेक्राइड के अंदर प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, अमीनो एसिड्स के अंदर और जो फैट जो अपन इंटेक करते हैं वो फैटी एसिड के अंदर ब्रेक डाउन होता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।